प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज आपका पीजीटी आर्ट गैलरी 1954 में स्वागत है। आज हम देखते हैं कि त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। उसके लिए बहुत ही सरल एवं ट्रिक के अनुसार त्रिभुजों की संख्या गिनने का एक अच्छा सा वीडियो बना रहा हूं, जिसको देख करके आप आराम से त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको सिंगल त्रिभुज मिलता है, जैसे ये है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, नंबरिंग करना है। 1 कर दिया तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। अब यहाँ पर है, उसी त्रिभुज को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 1 और 2 कर देना है। तो 1 प्लस 2 बराबर 3, यहां पर टोटल 3 त्रिभुज होंगे, यहां पर ये आंसर होगा। यहां तक तो ठीक है। इसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं इस त्रिभुज पर, तो यहां पर बहुत सारे कट हो जाते हैं, तो यहां भी हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पर हमें बिल्कुल उसी तरीके से नंबरिंग करना है, 1 2 3 4। जब इस तरीके से हम नंबरिंग कर देते हैं तब इसको हमें प्लस करना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब इनको टोटल करना है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 हो गया, 3 3 6 4 10। यहां पर त्रिभुजों की संख्या 10 हो गई है, यही आपका आंसर है। मानो इसी त्रिभुज को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाए ऐसे, तो यहां पर भी कुछ नहीं करना है, आपको जो 10 आया है 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब कि गुणा कर देना है, उत्तर जो आएगा वो 20 आ जाएगा। आगे देखते हैं, इस त्रिभुज को गिनने में थोड़ी सी परेशानी तो होती है, लेकिन इसको भी हम बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। 1 2 3 4, यहां तक थोड़ा आया, इनको हम प्लस करते हैं या अभी इसको और गिन लेते हैं। ऊपर भी बराबर की बराबर कटा हुआ है, तो यहां भी हम लिखते हैं 1 2 3 4। अब बात आ गई है यहां की, तो यहां पर भी इसी तरीके से हम लिखते हैं 1 2 3 4। अब आगे आप देख रहे होंगे कि एक खाने को छोड़ करके, मतलब 3 खाने में 1 2 3, इनको भी यहां से 1 2 3 कर देते हैं। अब इनको हम टोटल करते हैं तो यहां पर आपको मिलेगा 10, जब इनको हम प्लस करेंगे तो यहां पर भी 10 और यहां पर भी 10, लेकिन यहां पर कम हो गया, 6 आएंगे। अब इनको हम प्लस करते हैं, 10 प्लस 10 20, 10 में करेंगे 30 6 36, यहां पर टोटल जो है 36 त्रिभुज होंगे, ये आ गया आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नीचे की तरफ, इनको हम देखते हैं कि यहां पर त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी। तो यहां पर आने से आकर के हम लोग वही काम करते हैं जो यहां पर किए हैं, जैसे नंबरिंग करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनको टोटल करना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8। अब इनको हम टोटल करेंगे तो यहां पर आएगा 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 21 और 7 28 और 28 8, कितना होता है 36। टोटल यहां पर हमारे पास 36 त्रिभुज हो जाते हैं एक खाने में टोटल। अब 36 को यहां पर देखेंगे तो हम 3 भागों में डिवाइड है, तो इसको हम 36 को 3 से गुणा कर देंगे तो 36 18 के 8 हासिल 1 3 3 9 1 10, 108 त्रिभुज। यहां पर टोटल जो आएगा 108 त्रिभुज इसका आंसर आएगा। प्यारे दोस्तों, मुझे आशा है कि इस ट्रिक के द्वारा आपको इस तरीके के किसी भी तरीके का त्रिभुज आता है तो आप इसको काउंट करने में बहुत अच्छी तरीके से काउंट कर लेंगे, और इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।